उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बादल फटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चंपावत के बाद अब पिथौरागढ़ से भी बादल फटने की खबर सामने आ रही है। जी हां, पिथौरागढ़ जिले में बिसाड़ इलाके के गड़कोट गांव में बादल फटा है। बादल फटने के बाद पहाड़ी से आया मलबा एक घर में घुस गया, जिससे घर में मौजूद महिला देवकी उपाध्याय और चार मवेशियों की मौत हो गई। वहीं महिला के बेटे, बहू और पोते ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही पिथौरागढ़ पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव के कार्यों में जुट गई। पिथौरागढ़ पुलिस ने अपने प्रेस नोट में बादल फटने की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद पहाड़ी से बड़ी मात्रा में पानी और मलबे का सैलाब आ गया। इस सैलाब में 72 वर्ष की देवकी देवी पत्नी स्वर्गीय पूरन चंद्र उपाध्याय की मलबे में दबने से जान चली गई। पहाड़ी से पानी के सैलाब के साथ आया मलबा जब घर में घुसा तो उस वक्त देवकी देवी के साथ उनका पोता प्रियांशु, बेटा मनोज चंद्र उपाध्याय और बहू चंद्रकला भी मौजूद थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन देवकी देवी भाग नहीं पाई और उनकी इस हादसे में मौत हो गई। इसके अलावा मकान के पास स्थित गोठ में बधी दो गायें और दो बछड़े भी आपदा की भेंट चढ़ गए। पिथौरागढ़ एसपी रेखा यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। संयुक्त टीम ने मलबे में फंसे शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा। मलबे के लगातार गिरने और बारिश के कारण रेस्क्यू कार्य में मुश्किलें आई, लेकिन टीमों ने साहस और धैर्य का परिचय देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।